खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा जासूसी के आलात से नकल करते पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में 10 सितंबर को 44 मेडिकल कॉलेजों में 46,000 तलबा के दाखिले के इम्तहान हुए, जिसमें खुफिया तरीके से नकल की पेशगी इत्तला पर कार्रवाई की गई और एहलकारों ने रंगे हाथों तलबा को नकल करते पकड़ा। इस बार नकल का तरीकेकार कोई आम तरीकेकार नहीं, बल्कि इसमें खास खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था और इस मकसद के लिए बाकायदा एक ग्रोह मुनज्जम है जो कि तलबा को मदद फराहम करता है। इम्तिहान के दौरान अमले ने अपने मोबाइल फोन पर ब्लूटूथ ऑन किया और जिन तालिब इल्मों के पास से सिग्नल मौसूल हो रहे थे उन्हें पकड़ा। ये आलात बज़ाहिर एक पेन या कार्ड की शक्ल के थे, जिनके साथ एक इंतहाई छोटा सा एयर प्लग कानों में नस्ब किया गया था, जिसकी मदद से नकल करवाई जा रही थी। 213 तुलबा से ऐसे डिवाइस बरामद किए गए। ये आलात दरअसल एक चीनी कंपनी एडेमेग ने जासूसी के मकासद के लिए तैयार किए हैं, जिनका मकसद सर्विलेंस, VIP प्रोटेक्शन और तफ्तीश में मदद फराहम करना है या खुफिया तरीके से काम करना मकसूद होता है। ये आलात बआसानी दस्तियाब हैं और इनकी कीमत मुख्तलिफ वेबसाइट पर 45 से $60 तक है। KPK में नकल करने वाले ये तुलबा व तालिबात मुस्तकबिल के किसी भी किस्म के टेस्ट में बैठने के अहल नहीं रहे, जबकि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।